हे दोस्तों, स्क्रीन पे आप एक मैसेज देख सकते हो कि एक लड़के से मैं प्यार करता हूँ, वो नंबर नहीं दे रही है और बस चैटिंग में बात करते हैं, तो मैं उससे नंबर कैसे मांगू। ठीक है, तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं यही बारे में बात करने वाली हूँ कि कैसे आप किसी भी लड़के से उसका नंबर ले सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको भी है जानना तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहली बात है, अगर आप लड़की से नंबर मांग रहे हो तो फिर आप श्योर हो जाओ कभी भी उसका नंबर आप नहीं पाओगे। ठीक है, अगर आप गिर गिराओगे, भिखारी की तरह मांगोगे कि अपना नंबर दे दो, प्लीज़ अपना नंबर दे दो, तो वो कभी अपना नंबर नहीं देगी। नंबर लेने का कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स है, उसको आपको इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो ये क्या क्या ट्रिक्स है ये आज हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, पहली बात है आपको नंबर नहीं मांगनी है। ठीक है, इसीलिए वो नंबर नहीं देती है क्योंकि उसको लगता है कि आप उसके नंबर का मिसयूज़ कर सकते हो, आप उसके नंबर को लेके बार बार कॉल करके डिस्टर्ब कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, इसीलिए वो नंबर नहीं देना चाहती। तो पहला है, आपको उसका जो विश्वास है उसको जीतना पड़ेगा। तो विश्वास आप कैसे जीत सकते हो, तो आपको उसके नंबर नहीं मांगना है। जब भी आप मांगते हो तभी उसके दिमाग में आता है, अरे मैं तो ऑनलाइन में बात कर रही हूँ फिर भी ये नंबर मांग रहा है, तो फिर ये डिस्टर्ब करेगा। तो ये जो एक छवि आपकी बन जाती है, इसलिए वो नंबर नहीं देना चाहती। तो आपको नंबर नहीं मांगना है। ठीक है, जैसे आप नहीं मांगोगे नंबर और नॉर्मली उससे जस्ट चैटिंग में बात करोगे और नंबर नहीं मांगोगे, तो वो आपको एक जेन्युइन बंदा समझेगा कि ये तो पीछे नहीं पड़ जाता है, नंबर नहीं मांगता है, तो इससे उसका नंबर देने का चांसेस बढ़ेगा। दूसरा ट्रिक्स है दोस्तों, जब भी आप बात कर रहे हो तो उसकी इंटरेस्ट के बारे में जानो कि कौन से विषय में उसका इंटरेस्ट है, और उस विषय में थोड़ा जानकारी खुद भी ले लो। ठीक है, लेके उसी विषय में आप उनसे बात करो, तो फिर आपसे बात करने का उसको इंटरेस्ट ज़्यादा बनेगा, वो खुद चाहेगी आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करना। ठीक है, तो इससे भी वो अपना नंबर दे सकती है। तीसरा है दोस्तों, नंबर आपको मांगना नहीं है, आपको करना ये है, आपको बताना है, देखो मैं ऑनलाइन ज़्यादा नहीं अवेलेबल रहती हूँ, तो ये मेरा नंबर है, अगर तुम्हें कभी कोई बात कहनी है या फिर प्रॉब्लम हो तो मुझे आप फ़ोन कर सकते हो या फिर मुझे तुम फ़ोन कर सकते हो, ये बता के अपना नंबर दे के रखो। उसका मांगना नहीं कि तुम अपना नंबर दो, ये नहीं मांगना है, बोलना है कि मेरा ये नंबर तुम रखो, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो, उसको ऑप्शन दो। ठीक है, जब भी आप मांगते हो तब आप ऑप्शन नहीं देते हो, इसीलिए वो और भी कंफ्यूज होता है और आपको नंबर नहीं देता है। चौथा है दोस्तों, नंबर लेने का और एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है, ये है उसके साथ आप ऑनलाइन हमेशा अवेलेबल मत रहो। देखिए, उसका जो नीड है, जब भी आपसे बात करने का मन होता है वो ऑनलाइन आते हैं, आपसे चैटिंग करते हैं, चले जाते हैं, तो इससे उसका जो नीड है आपसे थोड़ा बहुत बात करने का, वो ऑनलाइन में ही पूरा हो रहा है, फिर वो नंबर क्यों देगी। तो उसका जो नीड है उसको थोड़ा बढ़ाओ, मतलब वो जब बात करने आए, हाय हेलो शुरू करें, तब भी आप ऑफलाइन हो जाओ। वो जब भी आए एक दो दिन ऐसा करने से वो उसको लगेगा कि आप ऑनलाइन अवेलेबल नहीं रह रहे हो, और अगर आप ऐसा जेन्युइन बंदा बनोगे और उसके इंटरेस्ट पे बात करोगे तो उसको बहुत ही अच्छा लगेगा आपसे बात करना, और जब भी आप अवेलेबल नहीं रहोगे तब वो खुद आपसे बात करने के लिए आपका नंबर मांगेगा। तो इसके लिए आप पहले खुद का नंबर दे के रखना, तो जब वो देखेगी कि आप ऑनलाइन में अवेलेबल नहीं हो तब वो खुद ही आपको कॉल करेगी, तो इससे भी आपको उसका नंबर मिल जाएगा। तो आज दोस्तों मैं ये 4 ट्रिक्स बताई जिससे आप लड़की का नंबर ले सकते हो, लेकिन इसमें एक काम आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है करना, वो है धैर्य, पेशेंस रखना है। अगर आप पेशेंस ना रख के नंबर दो करके नारा लगाते रहोगे तो वो नंबर नहीं देगी। तो आपको पेशेंस रख के एक जेन्युइन बंदा बनना पड़ेगा जिस पे
आसानी से विश्वास किया जा सकता है। अगर आप ऐसा करने में सक्षम होगी तो आपको वो ज़रूर नंबर देगी और आपकी प्यार आगे भी बढ़ेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई तो एक लाइक ज़रूर कर देना, ऐसे ही कोई सवाल हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं उस पर रिप्लाई ज़रूर करूँगी। पॉसिबल हुआ तो ऐसे ही मैं वीडियो बना लूँगी। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।